बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन, ऑफरिंग योर प्रेयर्स रेगुलरली एंड एंजॉयिंग गुड हेल्थ। क्लास 10th, इट्स 13th ऑफ जून एंड सैटरडे। टुडे आई एम नूरुल्हुदा हियर टू प्रोवाइड यू द लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 नेम्ड एज होम्योस्टेसिस। इन टुडेज लेक्चर यू विल लर्न अबाउट होम्योस्टेसिस एंड इट्स टाइप्स एंड हाउ डू होम्योस्टेसिस अकर इन प्लांट्स एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज बेसिकली द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आ भी जाए तो अंदर की बॉडी के अंदर की कंडीशंस का मेंटेन रहना होम्योस्टेसिस कहलाता है। इसमें जैसे हमारे बॉडी के बाहर जो वेदर है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर चेंज होता रहता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही हमेशा रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हमेशा 1 ग्राम पर लीटर रहना जो है वो होम्योस्टेसिस है, चाहे हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स खा लें। तो ये दोनों जो हमारे पास जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं होम्योस्टेसिस की, जैसे ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर और सॉल्ट्स की अमाउंट की मेंटेनेंस, यानी वो उनकी अमाउंट हमेशा कांस्टेंट रहना, मेंटेन रहना, ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। थर्मोरेगुलेशन क्या होता है, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर की मेंटेनेंस। और एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है मेटाबॉलिक वेस्ट्स जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, उनका एलिमिनेट करके अंदर की कंडीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले आना। मेटाबॉलिक वेस्ट का क्या मतलब होता है, एक ऐसा मटेरियल जो बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म के लिए के दौरान प्रोड्यूस करती है लेकिन वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में होम्योस्टेसिस जो होती है उसमें डिफरेंट जो है वो रिमूवल्स होते हैं, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिमूव होती है, वाटर रिमूव होता है और मेटाबॉलिक वेस्टेज रिमूव होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दिन के वक्त आपको पता है कि प्लांट्स में रेस्पायरेशन भी हो रही होती है, फोटोसेंसिस भी। तो रेस्पायरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो फोटोसेंसिस के दौरान यूज़ हो जाती है, और फोटोसेंसिस के दौरान जो ऑक्सीजन यूज़ हो जाती प्रोड्यूस होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है, तो कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है। तो नाइट में क्या होता है कि फोटोसेंसिस नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं होता, तो रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब लीव्स और यंग स्टेम्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के थ्रू जो है वो एस्केप आउट होती है। यंग स्टेम, यंग रूट्स में क्या होता है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रूट के सर्फेसिस से जो है वो रूट हेयर्स में जाती है और वहाँ से सॉइल में रिमूव हो जाती है। अब हमारे पास आते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा O2। ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है मेसोफिल सेल्स में ड्यूरिंग डे टाइम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसेंसिस। अपनी इसकी यूटिलाइजेशन के बाद जो है वो मेसोफिल सेल जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को स्टोमेटा के जरिए रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर के। प्लांट्स में ना वाटर ऑब्टेन करते हैं सॉइल से, ठीक है, और ये बॉडी में भी जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है। प्लांट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर लेते हैं अपनी टर्जिडिटी के लिए, ठीक है, अपने सेल्स को टर्जिड बनाने के लिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा होते हैं उसे ट्रांसपिरेशन के जरिए रिमूव कर देते हैं। लेकिन रात के वक्त आप लोगों को पता है कि ट्रांसपिरेशन नहीं होती, लेकिन वाटर में, वाटर कंटेंट अगर सॉइल में मौजूद है, हाई कंटेंट है, तो उसको वाटर को लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो जब वो लेता है तो उसको एक्युमुलेट कर लेता है, जमा कर लेता है ज़ाइलम मसल्स में, और कुछ प्लांट्स जो हैं वो इस वाटर को जो है वो अपने लीफ के एजेस से, किनारों से जो है वो ड्रॉप्स की सूरत में निकाल देते हैं, और इन लीव्स के टिप्स या एजेस पर जो है वो वाटर के ड्रॉप्स अपीयर जो होते हैं उसे हम कहते हैं गटेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन बेसिकली क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, यानी प्लांट के सर्फेस से वाटर वेपर्स का लॉस होना उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और गटेशन क्या होता है, उनके लीव्स के टिप्स पर जो है वाटर के ड्रॉप्स निकलना, उसको हम कहते हैं गटेशन। अब गटेशन और ड्यू को जो है ना अक्सर मिक्स कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि गटेशन और ड्यू एक ही चीज़ है। ड्यू क्या, ड्रॉप्स क्या होते हैं, ये एटमोसफेयर से प्लांट के सर्फेस के ऊपर एक्यूमुलेट होते हैं, लेकिन गटेशन में क्या होता है कि वाटर ड्रॉप्स प्लांट के अंदर से ही निकलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मेटाबॉलिक वेस्टेज का रिमूवल, ठीक है। प्लांट जो है वो बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्टेज को अपनी बॉडीज़ में जो है वो डिपॉजिट कर लेते हैं एज अ हार्मलेस इनसोलबल मटेरियल। इनसोलबल मटेरियल जो प्लांट में के कंपोनेंट्स में डिजॉल्व ना हो सके, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सीलेट डिपॉजिट होता है टोमेटो के लीव्स में, और ये कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है वो जब पत्ते गिरते हैं तो ये रिमूव हो जाता है और ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास
ट्रीज़ में क्या होता है, ठीक है, ट्रीज़ में ये होता है कि जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो लीव्स में एकुमुलेट हो जाता है, वहाँ से जब हर साल ख़जा में पत्ते गिरते हैं तो वहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। कुछ वेस्ट मटेरियल प्लांट्स से जो है वो रेजिन्स के ज़रिए भी रिमूव होते हैं, ठीक है, गम्स के ज़रिए और लेटेक्स और म्यूसिलेज, ये सारी चीज़ें ना सेक्रीशंस होती हैं डिफरेंट ट्रीज़ की। क्या होता है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा ट्री को कट लग जाए तो वहाँ से रिसने लग जाता है, ठीक है, तो वो रेजिन्स गम्स वगैरह होते हैं, तो इस तरीके से भी वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का जो रिमूवल है वो सेकेंडरी फंक्शन है लीफ फॉल का, ठीक है, लीफ के फॉलिंग का सेकेंडरी फंक्शन, यानी एक तो ये फंक्शन है कि उनके अंदर जो है वो मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, ठीक है, रिप्लेस करना चाहते हैं। दूसरा सेकेंडरी फंक्शन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, ना सिर्फ ये जो है वो जो है गिरते हैं अपने नए जो है वो पत्तों के लिए आने के लिए, बल्कि ये अपने अंदर से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी रिमूव कर देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स एंड प्लांट्स के, प्लांट्स में वाटर सॉल्ट्स की एडजस्टमेंट कैसे होती है। इस बेसिस पर हमने प्लांट्स को वाटर की अवेलेबिलिटी की बेसिस पर हमने प्लांट्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो वो प्लांट्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली या पार्शली सबमर्ज होते हैं वाटर में, यानी या तो पूरे के पूरे डिप हुए होते हैं या उनका हाफ पार्ट डिप हुआ होता है। ऐसे प्लांट्स को वाटर का प्रॉब्लम नहीं होता, तो वो अपने अंदर ऐसा डिवेलपमेंट मैकेनिज्म डिवेलप करते हैं कि वो एक्स्ट्रा वाटर जो इन्हें मिल रहा है उसको रिमूव करते रहें। हाइड्रोफाइट्स के ब्रॉड लीव्स होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं अपर सरफेस पर। यहाँ से क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता है इनका यहाँ से वो रिमूव कर देते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, लिली। ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं, ये ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनके थिक और वैक्सी क्यूटिकल होती है, ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर, ताकि वाटर का लॉस कम किया जा सके, क्योंकि जैसे सहरा वगैरह में होते हैं प्लांट्स, ठीक है, तो इनके इनको वाटर की शॉर्टेज होती है, तो ये ऐसे मैकेनिज़म्स को अडॉप्ट करते हैं कि इनको वाटर को रिमूवल ज़्यादा ना हो। इनमें स्टोमेटा का नंबर भी कम होता है, ट्रांसपिरेशन भी कम होती है, ऐसे प्लांट्स की रूट्स भी डीप होती हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर सकें। कुछ ज़ीरोफाइट्स में स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ठीक है, जो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को स्टोर कर सकते हैं। इन प्लांट्स को हम कहते हैं सकलेंट, और इन प्लांट्स के ऑर्गन्स को हम कहते हैं सकलेंट ऑर्गन्स, ठीक है। इनके स्टेम्स या रूट्स में ये ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम सकलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। और एग्जांपल्स हैं कैक्टस, यानी कैक्टी, जो आप लोगों ने जो है वो सहरा में जो है वो पाया जाता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं हमारे पास हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो है वो सी वाटर में रहते हैं और इनका जो एनवायरनमेंट होता है वो सॉल्टी होता है। आपको पता है सी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, सॉल्ट्स बॉडी में एंटर होते हैं, ठीक है। सी वाटर में हायर कंसंट्रेशन होते हैं सॉल्ट की, प्लांट बॉडी के में कम होते हैं, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, प्लांट बॉडी में जाते हैं। दूसरी तरफ वाटर जो है वो सेल्स में ज़्यादा होता है, और सी की निस्बत वहाँ वाटर कंसंट्रेशन सेल्स में ज़्यादा होती है, तो वो बाहर आने की कोशिश करता है। तो क्या होता है कि जब सॉल्ट्स एंटर होते हैं सेल्स में, तो प्लांट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इसको रिमूव कर देते हैं, और ठीक है, और ये सॉल्ट जो है वो अलाउ नहीं करते कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, ठीक है, कि उसमें जा सके। तो सैप ऑफ वैक्यूल जो है वो ज़्यादा हाइपरटॉनिक रहता है सी वाटर से, ठीक है। क्या होता है कि सॉल्ट जब अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वैक्यूल की वॉल्स उसको अलाउ नहीं करती कि वो अंदर आए, और वो बाहर ही रह जाता है, तो वाटर जो है वो वैक्यूल के अंदर रहता है। तो इस तरह से ज़्यादा जो है वो वाटर जो है वो बाहर नहीं निकल पाता। इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं सी ग्रासेस हैं, ठीक है, सी में जो ग्रासेस होते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। यू हैव टू लर्न होल टॉपिक केयरफुली। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दिस टॉपिक यू कैन आस्क फ्रीली। प्लीज़ डू लर्न ऑल द टॉपिक्स केयरफुली एंड डू देयर एचए ऑन योर रफ रजिस्टर। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, स्टे होम, स्टे सेफ। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।